नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं इस YouTube वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं एक्सेल वीवीए मैक्रो पावर प्रोग्रामिंग। दोस्तों, आप YouTube पे हमारे वीडियोस देखते हो, सारे मेरे एक लाइव क्लासेस की वीडियोस है जो कि मैंने प्रमोशंस के लिए डाले हुए हैं YouTube पे। अगर आप चाहो कि मेरी कंप्लीट वीडियो मिले सिक्वेंस में तो नहीं होगा, उसके लिए मेरे DVD परचेज करना पड़ेगा या फिर मेरे साथ लाइव क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी ऑनलाइन। अब ऑनलाइन कैसे होता है, तो इस चीज को दिखाने के लिए आप ये मैंने वीडियो बना रहा हूं। मेरे पास एक गो टू मीटिंग का सॉफ्टवेयर है। इस गो टू मीटिंग के माध्यम से हमारे साथ चार लड़के जुड़े हैं, जिसमें से एक शाहनवाज अंसारी UAE से है, आउट ऑफ इंडिया UAE से है। बाकी लोग इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से सुबह के 7 बजे अपने घर पे बैठ के मेरे साथ क्लास ले रहे हैं। और ये जो स्क्रीन आपको दिख रही है, ऐसी लाइव स्क्रीन वहां पे दिखती है और हेडफोन के साथ कम्युनिकेट करते हैं। मतलब उनको कोई डाउट हुआ तो मुझे मुझे उसी समय मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे हुआ, मुझे दोबारा बताइए। तो कैसे देखिए, तो चलिए रुपेश जी, शहनवाज अंसारी जी एंड सुधांशु जी, हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप लोगों के पास प्रीवियस क्लासेस का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सनवर अंसारी जी, कोई डाउट है आपको? सुधांशु जी, आपको? चलिए, तो हम प्रीवियस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। प्रीवियस प्रोजेक्ट में हमने आपको कराया था कि जिसका सीधे सीटों पे मेरा डेटा है उसको कॉपी करके एक सीट पे हम पेस्ट करते थे। तो कई सारे सीट पे हमारा डेटा है उसको एक सीट पे पेस्ट करते थे यूजिंग दिस कोड, और ये प्रोजेक्ट हमने लास्ट टाइम किया था। बट प्रॉब्लम इज दैट कि हमारे पास, मैंने बताया कि हो सकता है कि हमारे कॉलम सीक्वेंस ना हो, जैसे कि जनवरी जो है ये यहां पर है, ठीक है? तो अब कॉपी पेस्ट करने से दिक्कत क्या हुआ कि हर का सीक्वेंस अलग अलग है, तो इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो मुझे ऐसा डेटा को कॉपी पेस्ट करना है कि मेरे इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हर सीट पे जाए और कॉलम बाय कॉलम को डेटा उठा के पेस्ट करें। तो चलिए हम इसके लिए लूप का इस्तेमाल करेंगे और इसके लिए हम अपनी कोडिंग करेंगे। मॉड्यूल 4 में मैंने बाकी कॉपी कर रखा था, इसी में हम इसी में आगे करते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट कॉपी कंडीशंस के नाम से बनाता हूं मैं, कंडीशंस सॉरी माइक्रो, और लूप चलाएंगे कि फोर आई इक्वल टू चले 1 2 शीट्स डॉट काउंट माइनस वन। काउंट माइनस वन क्यों कर रहे हैं आपको पता ही है। नेक्स्ट आई ए हो गया। देन अब प्रॉब्लम ये है कि जितना कितना ये है हमारे पास, ये है 5, 5 है। तो एक और लूप चलेगा कि फोर आई नहीं जे जे इक्वल टू चले 1 2 5, ठीक है 1 2 5। और हमारे जितने भी सीट के कॉलन है उसके हर एक कॉलन को चेक करेगा, चेक करने के बाद जो रिजल्ट हुआ उसका डेटा कॉपी करके पेस्ट करेगा। तो यहां भी मुझे क्या करना है कि सीट्स आई डॉट सेलेक्ट या एक्टिवेट, और फिर इसमें भी हमें लूप चलाना है, लूप के इक्वल टू 1 2 5, नेक्स्ट के एंड इधर नेक्स्ट जे। तो ये क्या होगा,
इससे पहले मुझे यहाँ पे कंडीशन वैल्यू लेनी पड़ेगी, मतलब कि हेडिंग मंथ एम इक्वल टू सेल्स, यहाँ पे डेटा शीट को एक्टिवेट करना पड़ेगा, माफ कीजिएगा, शीट्स या ऊपर नहीं नीचे करना होगा, शीट्स डेटा कि डेटा शीट डॉट सेलेक्ट यहाँ जाए, और हमने बोला मंथ इक्वल टू सेल्स, और सेल्स में Row 1 है एंड कॉलम J है, डॉट वैल्यू को स्टोर करें, ठीक है। फिर सीट आई मतलब कि क्या करेगा कि ए एम पे जाएगा, इसकी वैल्यू को एम पे, इसकी क्या बोलते हैं डेटा शीट में जाएगा और इसकी वैल्यू को एम पे स्टोर करेगा, और सीट 1 पे जाएगा और फिर एक एक करके सारे सेल को मैच करेगा यहाँ कंडीशन से कि इफ सेल्स 1.k.values इक्वल टू एम देन, क्या करेगा, अगर से मैच कर गया तो 2 से लेके नीचे तक का कॉपी पेस्ट करेगा, 2 से लेके नीचे तक का कॉपी पेस्ट करेगा। तो मैं यहां दूंगा रेंज, रेंज में मैंने बोला कि सेल्स स्टार्टिंग पोजीशन, सेल्स में दूसरा नंबर रो एंड के कॉलन, और एंडिंग पोजीशन क्या है, तो एंडिंग पोजीशन है सेल्स 65,000 रो और के कॉलन डॉट एंड एक्सेल अप डॉट कॉपी, उसका डेटा कॉपी किया, ठीक है। और यहां पे एंड इफ, कॉपी करने के बाद वापस सी डॉट सिलेक्ट होगा, डेटा शीट को सिलेक्ट करेगा और डेटा शीट में ये आएगा रेंज, रेंज में सेल होगा कि सेल्स, सेल्स में 65,000 रो और ये जे कॉलन हो जाएगा, जे कॉलन डॉट एंड एक्सल आप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट पेस्ट स्पेशल, और फिर यहां होगा एप्लीकेशन डॉट कट कॉपी मोड इक्वल टू फॉल्स, इससे क्या समझ रहे हैं आप, इसके लैंग्वेज से क्या समझ रहे हैं, जैसे जैसे कॉपी होता है ना, कॉपी है तो स्कैप कर दी, क्यों, क्योंकि यहां पे कॉपी दूसरा कॉपी कब करेगा, जब कंडीशन मैच किया गया तभी करेगा ना, क्या अगर कंडीशन मैच नहीं किया तो दिक्कत हो जाएगा। एक एग्जिट लूप भी होता है क्या, या एग्जिट 4, हाँ एग्जिट 4 लगा दीजिए, ठीक है। अब मैं एक बार इसको रन करके देखता हूं, कहाँ पे दिक्कत आ गई, नहीं किया इसको, अब देखिए
जैन मैच नहीं किया, ये कैसे हो सकता है? हम कुछ गलत कर रहे हैं, रुक जाइए। इक्वल टू एम देन सेल्स टू से के को कॉपी करें, क्योंकि यहाँ पे के लूप चल रहा है, एंड तक उसको कॉपी कर लें। एग्जिट फोर डेटा, एक मिनट, एग्जिट फोर हटाता हूँ, चाहिए डेटा डिट सेलेक्ट सेल्स 65,000 जे। अच्छा यहाँ पे जे फोर जे चल रहा है 125, हमने बोला 65,000 डॉट एंड एक्सले सब डॉट पेस्ट स्पेशल, सही तो है? यहाँ पे दिक्कत दे रहा है, क्या बोल रहे हैं आप? तो ए हाँ ऑफसेट 10 दिया ना मैंने। यहाँ पे दिक्कत ये हो रही है, देखो यहाँ पे वर्क तो हमारा कर रहा है लेकिन फिर जैन को सर्च नहीं कर रहा है। जैसे जैन उठाया, एक मिनट, m जो आपने लिखा है m इक्वल टू सेल्स 1 कॉमा j डॉट वैल्यू, वो m जो है m यहां पे स्टोर हो रहा है ना? हां, ये तो यहां पे जो आपने इफ वाली कंडीशन लगाई है उसको मैच कर रहा है। यहां पे ये ना नीचे का, हाँ कि इक्वल टू m, तो वो आई थिंक वहीं पे फाइंड नहीं कर पा रहा है। हाँ वही वही फाइन नहीं कर रहा, वही तो चेक कर रहा हूँ क्यों नहीं फाइन कर रहा है। बस करते हैं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेप इन्फो एफेट, डेटा लॉस सेलेक्ट। अच्छा कुछ दिक्कत है यहाँ पे लग रहा है, हमें कुछ हटा देता हूँ। एक मिनट, F7 दबाइए ना, आ जाएगा। F7 नहीं, F8 होता है ना, यहाँ F8 होता है, लेकिन F8 मैं करूँगा तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं ना, हम वो नहीं चेक कर रहे हैं, हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं ए कि गलती कहाँ पे हो रही है, वो नहीं चेक कर रहा है। मैं F8 दबा सकता हूँ, बट क्या प्रॉब्लम क्या है कि इसका शॉर्टकट की जो है ना, MP क्या स्टोर हो गया, नेम, और हमने स्टेप इन्फो में दिया 125 सब और फंक्शन नॉट डिनाइड। यार इसको हटाओ, दादा दूसरा दूसरा माइक्रो दिक्कत हो रहा है इसमें। अब सेल्स की वैल्यू या नेम है, कॉपी कर लिया, अब इसी को रिपीट करेगा वो 5 बार। एक मिनट एक मिनट, एक समझ में आ गया, समझ में आ गया। बेहतरीन बेहतरीन,
अरे यहाँ पे सिक्स करना है ना मैं वो एक ही को बार बार कॉपी कर रहा है। नहीं, उसकी दिक्कत नहीं है। बेसिकली क्या है कि जनवरी जो है इस सबसे लास्ट में है ना इधर, हाँ हम 5 तक दे दिए थे तो यहीं तक सर्च कर रहा था, और एरर इसलिए आ रहा था कि कॉपी जब हुआ नहीं तो पेस्ट होगा कहाँ से। तो इसको रोकने के लिए यहाँ पे मुझे देना होगा एप्लीकेशन डॉ नहीं ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। ठीक है, अब मैं इसको प्ले करता हूँ, 100% वर्क करेगा, करना तो चाहिए, थ्योरी तो यही कर रही है। हो गया। बर्फ, अब देखिए पूजा जैन है, यहाँ पे देखिए जैन में, यहाँ जैन में 44 है तो 44 आया, फैब में 89 है तो देखिए यहाँ फैब में 89 आया। दूसरे सीट में हमने फैब को 89 यहाँ दे रखा है पूजा का, तो यहाँ पे पूजा देखिए फैब में 89 आ गया। समझ में, ये मैथ को समझ में आया? देखिए इसको स्टेप तोड़ता हूं मैं, फिर समझिए इसको। क्या है कि हमने पहले यहां बोला कि नंबर ऑफ सीट कितने हैं, मतलब कितना लूप चलना है। मैंने बोला लूप चलना है जितना सीट है उससे कम, क्योंकि डेटा शीट पे हमारा कॉपी पेस्ट हो रहा है, राइट। तो ये लूप चल गया, पहला लूप फोर फोर आई लूप जो हुआ वो सीट्स के लिए हुआ, ठीक है। फिर इसमें हम डेटा शीट पे आए, देखिए यहाँ पे फिर हम डेटा शीट पे आए और डेटा शीट में देखा कि मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ कॉलम है वो 6 है, और हमारे सीट में डेटा जो कॉलम है हमारा वो 6 ही है, राइट। तो टोटल कॉलम ऑफ 6 है, और फिर हमने यहाँ पे बोला कि डेटा यहाँ पे कि 6 चले, फिर डेटा को सिलेक्ट किया और मैंने बोला कि यहाँ पे क्या है, रो नंबर 1 कॉलम नंबर जे, मतलब जे का जो लूप है वो जे, हम बोले कि वो लूप जो है उसके हिसाब से कॉलम को एम पे स्टोर करे। फिर हमने क्या किया, सीट आई डॉट सिलेक्ट, मतलब कि पहली सीट पे जाओ और इसके भी 6 टोटल कॉलम है तो मैक्सिमम 6 है तो 6 बार चले, फिर एक-एक करके से हर सेल को मैच करे। जो सेल मैच हुआ, ए सेल मैच हुआ तो जो सेल मैच होगा जिसकी हेडिंग मैच होगी उसकी उस सेल को इस तरह से कॉपी कर ले। कॉपी करने के बाद हमने क्या बोला, डेटा शीट पे आया, और डेटा शीट पे आने के बाद मैंने बोला कि जे मतलब कि जो कॉलम चल रहा है यहाँ पे, जिसका हमने डेटा जिसका सेल्स हमने चेक करके कॉपी करवाया है, उस कॉलम पे जाए और नीचे से ऊपर आने के बाद वहां पे वो पेस्ट कर दे, समझ गए। और फिर एस्केप मार के कॉपी कट कॉपी मोड को फॉल्स करो और फिर कंटिन्यू करो। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है कि मैं पहले सीट में मैं जनवरी गायब कर देता हूं, जनवरी गायब कर दिया। अब ये रिजॉल्व देखिए, जनवरी एक इसमें इसमें क्या है कि सारे के सारे कॉलन होने ही चाहिए, बट इसमें मैंने जनवरी को गायब कर दिया। कॉपी हुआ लेकिन देखिए ये दिसंबर का डेटा गलती कर दिया, डेटा जो है कुछ इस तरह से होना चाहिए। इस तरह से होना चाहिए क्या? अब आपको इस माइक्रो के अंदर में चेंजिंग करने हैं और इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे उम्मीद है कि आप रिजॉल्व कर लेंगे थोड़ी सी मेहनत करेंगे। तो अगर नहीं कर पाते हैं इट मींस आपको और प्रैक्टिस की जरूरत है, समझ गए। ये फाइल मैं आपको अभी मेल कर देता हूँ, आप फाइल ले लीजिएगा और रिकॉर्डिंग थोड़ी देर में यूट्यूब पे आ जाएगी, क्योंकि आज मैंने यूट्यूब के लिए रिकॉर्डिंग किया है तो
थोड़ी देर में रिकॉर्डिंग आपकी यूट्यूब पे आ जाएगी, तो यूट्यूब से ले लीजिएगा। सर इसके पहले वाली जो है वो अपने फोल्डर में डालनी है क्या? हाँ, फोल्डर में डली हुई है सब, इससे पहले वाली रिकॉर्डिंग फोल्डर में डली हुई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं कल सेम टाइम। तो YouTube देखा किस तरीके से मैंने अभी क्लासेस ली, हमने एक प्रॉब्लम पे सॉल्यूशन दिया, रिजॉल्व किया, और आपने देखा किस तरीके से हमने उनको होमवर्क भी दिया उसको करेक्शन करने के लिए, और उनकी डेटा फाइल जो भी हमने मैक्रो फाइल की है, माइक्रो फाइल, और जो हमने एक किया है रिकॉर्डिंग्स है, उनको मिल जाता है। तो आप भी हम हमारे साथ ऑनलाइन लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, एटलीस्ट डेमो क्लास तो लेके ही देखिए, अगर डेमो क्लासेस अच्छा लगता है तो आप ज्वाइन प्रोसेस को फॉलो कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।